नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट आज मैं आपके साथ कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीबीएसई के थ्रू सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट के अपने सैंपल पेपर साइट पर अपलोड कर दिए हैं। सीबीएसई की साइट पर जाके आप किसी भी सब्जेक्ट के आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे हाथ में सीबीएसई का 2019 का जो सैंपल पेपर है, वो लेटेस्ट जो सैंपल पेपर अपलोड किया है वो है। इसमें इंटरनली चेंज किया गया है। पहले हमारे पास 2018 में जो हमारे पास इंटरनल चॉइस थी क्वेश्चनों में, वो केवल 7 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस थी। सी पार्ट के 4 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आ रही थी और डी पार्ट के 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस थी। लेकिन 2019 के लिए जो सैंपल पेपर इशू हुआ है उसमें 11 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है जिनमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, और सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। टोटल क्वेश्चन आपके पास 30 हैं। 30 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चनों पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, चैप्टर वाइज इस बात को मैं कहूँ तो चैप्टर 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है, ऐसा सीबीएसई के इस सैंपल पेपर के थ्रू बात कर रहा हूँ। और चैप्टर 1 जो है लगभग 6 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है। चैप्टर 2 जो है आपका, मैं एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, एनसीईआरटी में चैप्टर 2 जो है उसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो एक क्वेश्चन होगा। चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशन वाला, वो 5 मार्क्स का हो सकता है जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का भी क्वेश्चन होगा। उसी तरह से चैप्टर 4 की बात करें तो आपको इसमें 1 मार्क क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस मिल सकती है, और इसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी आएगा। ध्यान रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आ सकता है, उसमें इंटरनल चॉइस आपको मिल सकती है। और ये चैप्टर जो 4 है वो 5 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 5 जो है वो 7 मार्क्स का आएगा, और इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस पॉसिबल है, और क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, और टोटल मिलाकर चैप्टर 5 जो है आपको 7 मार्क्स का आएगा। मैं चैप्टर 6 की बात करूँ, जो ट्राइंगल होगा वो आपको 8 मार्क्स का आएगा, सीबीएसई में आ सकता है इसका। ठीक है, और इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो सकती है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस तरह तो टोटल मिलाकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। चैप्टर 7 से जो है कोऑर्डिनेट आपका बहुत ईजी चैप्टर है, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरनल चॉइस पॉसिबल हो सकती है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आपकी 8 नंबर की हो सकती है, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरनल चॉइस हो सकती है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा उसमें भी इंटरनल चॉइस हो सकती है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह कुल मिलाकर आपके पास क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, इसके 8 मार्क के क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं। चैप्टर 9 जो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है जिसमें, उसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपका एक, और 4 मार्क्स क्वेश्चन एक आ सकता है। टोटल मिला के ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आएगा। ट्रिगोमेट्री टोटल मिला के आपकी 14 मार्क्स की आएगी। 8 मार्क्स के तो आपके आइडेंटिटी आएंगे, और 6 मार्क्स का क्या होगा, एप्लीकेशन आएंगे। कुल मिलाकर आपके 14 मार्क्स का पेपर इस तरह से आ सकता है। चैप्टर 10 की बात करें, जो सर्किल आपका, उसमें से आपके पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा केवल। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की संभावना इससे मिलने की। और कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ लें इस बात को। ठीक है ना, किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ये 4 नंबर आप बहुत ईमानदारी से ला सकते हो। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स में डर लगता है वो इस चैप्टर को जरूर करके चलेगा। ठीक है, तो इसके 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, उसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा की संभावना है। और उसके बाद है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये स्टूडेंट्स आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो सकती है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी हो सकता है। स्टेट्स में जो आपको मीडियन और मोड निकालने वाला चैप्टर है, ठीक है ना, वो 7 मार्क्स का आएगा, उसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, यहाँ से 4 नंबर और यहाँ से 7 मार्क्स इस चैप्टर से, 14 से, और कंस्ट्रक्शन से 4 मार्क्स। ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, मैं बताऊँ जिन स्टूडेंटों को मैथमेटिक्स में किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो जो बहुत इजी चैप्टर्स हैं उनको कर सकते हैं वो। और चैप्टर 15 जो है प्रोबेबिलिटी का आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 सॉरी आपके पास टोटल मिला के 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर आएगा, और 80 मार्क्स के पेपर में
लगभग आपके लगभग क्या 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 30 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है कि अधिकतर स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान महसूस करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन इस इंटरनल चॉइस से रियली आपको फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट्स बॉक्स में लिखें। भारती ने आपको बताया होगा, जो आपको SST के वीडियो देती हैं, कि हम एक अगले संडे को आपको क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहे हैं, उसमें आपके किसी तरह के क्वेश्चन हैं आप उन्हें पुट कर सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, वो लाइव होगा आपके लिए। आप अपने क्वेश्चन मेल कर सकते हो, मेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप नोट कर लें rbclassesmtr@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके आंसर देने का। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।